खबर भोपाल से, जहां एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है। महिला पर ब्लेड से हमले के आरोपी के घर पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की है। बता दें आपको, आज ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित महिला से मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आरोपी बादशाह बेग के मकान पर बुलडोजर चलाया प्रशासन की टीम ने। बता दें, हिस्ट्री शीटर बदमाश बादशाह बेग पर करीब 32 मामले दर्ज हैं। बादशाह बेग ने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस और नगर निगम ने आज कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने भी उस महिला से आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, जो भी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, महिलाओं और बेटियों की इज्जत नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल ब्लेड से हमला किया था बदमाश ने, हिस्ट्री शीटर बदमाश है बादशाह बेग के मकान पर। आज प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की है। हम रुक करेंगे, संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। आकर्ष, आज ही मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की महिला से और आज ही प्रशासन की टीम ने एक्शन भी लिया, क्या जानकारी? जी दीपक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो वही स्पष्ट कर दिया था जब वो पीड़ित महिला से मिले थे कि जो कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त वो की जाएगी। और यही देखने को मिला कि जो बादशाह बेग जो है वो हिस्ट्री शीटर बदमाश है अरेरह थाना इलाके का, और उसी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था कि ब्लेड मारी थी महिला को। और यही कारण है कि आखिरकार जो बादशाह बेग का अवैध कब्जा था, अरेरह स्थित रोशनपुरा चौराहे के पास झुग्गी थी, वहां पर कब्जा करके रखा हुआ था और वहीं से अपने जो है संचालन करता था, अपनी जो भी तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा था। तो आखिरकार पुलिस ने और नगर निगम टीम ने उस जो कब्जा है उसको हटाया और सख्त सख्त कार्रवाई की है। और यही बताने की कोशिश की है कि यदि इस तरीके से कोई महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष इस बातचीत के लिए।